हेलो एवरीवन कैसे हैं आप लोग सो so, आज का वीडियो होने वाला है शूज का आप लोगों ने ऑलरेडी थंबनेल में देख लिया होगा कि बिग बिलियन सेल से हम लोगों ने लिए हैं शूज और बिग बिलियन सेल एक ऐसी सेल है जिसका मैं पूरे साल वेट करती हूँ क्योंकि मैं ज्यादा चीज़ें खरीदती हूँ स्पोर्ट्स से रिलेटेड मेरा प्रोफेशन ऐसा है कि आई ऑलवेज वन ऑफ द शूज मोस्टली एंड योर स्पोर्ट्स अटायर स्टाफ तो ये जो होते हैं काफ़ी महंगे होते हैं सो so अगर मुझे एक पर्टिकुलर अच्छी गुड टाइट्स लेने हैं कॉल एडिडास का या नाइकी का सो so ये सारी चीजें स्टार्ट ही तीन साढ़े तीन हजार से होती है सो so, बिग बिलियन सेल एक ऐसी सेल है जो आपको मतलब उस टाइम पे लाइक आपको काफ़ी ट्रेंडिंग चीजें ऐसा नहीं कि आउट ऑफ ट्रेंड चला गया है कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट ट्रेंडिंग Yet, आपको काफी सस्ते में मिल जाता है साल में एक ही बार आता है बिग बिलियन सेल ड्यूरिंग दिस टाइम जब आपका नवरात्र चल रहा होता है इसके बाद आपकी दिवाली सेल भी आएगी अदर अदर, अदर अदर सेल आती रहेंगी बट बिग बिलियन सेल का एक अलग ही क्रेज है अलग ही क्रेज है मैं पिछले तीन चार साल से यहाँ से मतलब बिग बिलियन सेल से शॉप कर ही रही हूँ और बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि फ्लिपकार्ट फेक प्रोडक्ट्स भेजता है और ऐसा है वैसा है सीरियसली लाइज अभी तक मैं तो इतनी अनलकी रही रही हूँ कि मेरे को कोई फेक प्रोडक्ट रिसीव हुआ हो इन टर्म्स ऑफ एनी एडिडास प्रोडक्ट ट्योग प्रोडक्ट नए प्रोडक्ट मुझे सब ऑथेंटिक औरजिनल ही मिला है एंड uh, हो सकता है कुछ लोग कभी कभी सेटिस्फाइड नहीं होते किसी सर्विस से तो कई बार ऐसे जान के कॉमेंट्स भी छोड़ देते हैं जिससे आपको लगे कि यू uh, नो you know, कुछ भी ऐसा प्रोडक्ट को वो करने के लिए उसकी यू you नो know, जिससे उसकी सेल ज़्यादा ना हो तो बिग बिलियन सेल इज़ माई एवरी टाइम फेवरेट सेल फ्लिपकार्ट इज एवरी टाइम फेवरेट फॉर मी तो लेट्स जस्ट ओपन दीज शूज आप लोगों ने कुछ तो में देख लिए होंगे आई हैव लाइक टू अदर शूज अपार्ट फ्रॉम दीज थ्री ऑफ माई मैंने अपने भाई के लिए भी ऑर्डर करे हैं तो मैं अभी सबकी ओपनिंग करने वाली हूँ ठीक है वन इज़ अनदर वन इज अंडर एंड थर्ट वन इज़ द पोवा वन सबसे पहले हम लोग खोलेंगे डी डांस ओके okay? तो मैंने सबसे ज़्यादा मंगवाए हैं बास्केटबॉल शूज़ हाई एंकल शूज़ ही मैं ऑर्डर करती हूँ क्योंकि मेरे को डांस में वो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल लगते हैं उसमें आप लोग आपको ना बेसिकली बहुत सारे लोग बहुत टाइप के शूज़ पहनते हैं कोई रनिंग शूज़ पहनता है डांस के लिए कोई आपका ट्रेनर्स पहनता है मैं पहनती हूँ बास्केटबॉल शूज क्योंकि अब तक मैंने जितने भी शूज़ पहने हैं मेरे को बास्केटबॉल शूज सबसे ज़्यादा कम्फर्टेबल लगते हैं डांसिंग के लिए सो लेट्स जस्ट ओपन द फर्स्ट शो विच इज द दूंट है ओके कैन यू सी हाउ प्रिटी इट इज इट इज नॉट दैट व्हाइट बार दाइट ना थोड़ा सा ऑफ वाइट है और दिखने में ऐसा है पीछे से ऐसा है अंदर वाली साइड से ऐसा है ओके okay. सो so, uh, तो मैंने ये शू पहन के देखा है और ये बहुत कम्फर्टेबल है लाइक मेरे जितने भी शूज़ मैंने इस बार रिसीव करे हैं दिस इज़ द मोस्ट कम्फर्टेबल शू और मैंने ना तीन शूज़ इसलिए ऑर्डर करे थे मुझे लगा क्या पता कोई एक आधा टाइट आया फिर सेल तो रहेगी नहीं सेल पाँच से छः दिन की होती है तो जो तीन बेस्ट शूज़ होंगे तीन में से जो एक जो मुझे कम पसंद होगा तो मैं वो रख लूँगी और बाकी मतलब वो कम पसंद होगा वो भेज दूंगी और बाकी के दो रख लूंगी तो मेरे को रखने दो ही थे बट मैं तीनों के तीनों रख रही हूँ क्योंकि बिल्कुल ऐसा मन आ गया so, है सो इस पर्टिकुलर शू का नाम है एडिडास हो सो मैंने मंगवाया है यूके फोर बेसिकली ये शू बॉयज़ में आता है ये शू गर्ल्स में आता ही नहीं so, है सो अगर लड़कियाँ ढूंढने गई हैं इस शो को तो प्लीज़ आप मेन सेक्शन में ढूंढना आपको आराम से इसका यूके फोर मिल जाएगा यूके फोर से नीचे कोई साइज नहीं था इसमें so, सो बॉयज का सबसे छोटा साइज जो मेन में स्टार्ट होता है वो यूके फोर है वो भी काफी ब्रांड्स में नहीं मिलता है बट लकीली हमें ये ब्रांड में मिला है और गेस वॉट मेरी फ्रेंड ने भी सेम शू मेरे दिखाने के बाद ऑर्डर किया है तो हम दोनों सहेलियों ने ये शू ऑर्डर किया क्योंकि गर्ल्स में आता नहीं है तो उनको भी ये पता नहीं था कि आ, वो मेन से ये ऑर्डर कर सकते हैं सो so, ये शो अभी फिलहाल और वेबसाइट पे सात हजार का है बट मैंने कितने का लिया है मैं आपको बताती हूँ okay. मैंने ये शो लिया था टू थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड ट्वेल्व का बट मेरे पास कुछ क्वेंस भी थे तो मेरे टू हंड्रेड रुपीज वो एडजस्ट हो गए थे अपार्ट फ्रॉम दैट आपको पड़ेगा कुछ पच्चीस सौ छब्बीस आपको तो नहीं पड़ेगा मतलब तो मुझे पच्चीस सौ का पड़ा है और दिस इज एडिडास होप्स थ्री मिड बास्केटबॉल शूज फॉर मैन ओके कंप्लीट एकदम बास्केटबॉल शूज है स्नीकर स्टाइल में है और uh, मतलब ऐसा जो इसका जो अंदर से फॉर्म है ना ये पूरा अंदर से अंदर वाला जो फॉर्म है पूरा मैश का है और ऊपर वाला पूरा लेदर का है ठीक है तो क्या uh, होता है कि मुझे बेसिकली जो मेस्ट के शूज होते हैं वो ना ऐसे ब्रीदेबल ज्यादा होते हैं थोड़ा लाइट भी फील होते हैं लेकिन ना मेरे को ये वाला स्टाइल मैंने नाइकी में भी पहना है काफी काफी पहना है तो ये वाला जो स्टाइल होता है ना शू का स्नीकर स्टाइल प्लस बास्केटबॉल ये आपके ना पैरों को प्रोटेक्टिव रखता है मतलब हम लोग ऐसे डांस कर रहे हैं इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं आगे जा रहे हैं मोमेंट्स आगे पीछे वाली होती है तो उसमें क्या है कि ना पैर कभी कभी ऐसे टेढ़ा मेढ़ा होना एकदम से उसे ट्विस्ट कर जाना मुंह जा जाना तो ये बिल्कुल ऐसे एकदम क्या कह सकते हैं उसको हम एंटी ट्विस्टिंग शू बोल सकते हो आप बास्केट बॉल शूज को ये उनमें से आता है इसका जो ये फ्लैप है ना ये इतना लाइट है ये वाली चीज पूरी लेदर है बट ये वेरी लाइट ठीक है ये बिल्कुल लाइट है और जो यहाँ पे ये जो डिजाइनिंग है ये पूरी मेश की है बाकी ये 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 सब जगह पे लेदर है कम्पलीट लेदर और लुक एकदम ऐसे खतरनाक वाली लुक है इसकी यार मतलब आप हेम से देखोगे ना तो मन भी नहीं कर रहा है यार इसे क्लास में पहनूं मन कर रहा है बस उसको कभी कभी पहनू जो कहीं घूमने जाना हो तब अच्छा नेक्स्ट शू देखते हैं मैं आपको अंडर आर्म सबसे लास्ट में दिखाऊंगी अभी मैं आपको दिखाऊंगी पहले अपना का शू ओके सो लुक एट इट दिस इज प्यूमा टू कितना गर्ली शू है मतलब मेरे पास गर्ली शूज है ही नहीं मैं मोस्टली अपने सारे शूज मेन सेक्शन से मंगवाती हूँ तो वो एकदम ऐसे मेन वाला स्टाइल ही होता है एकदम बट ये देखो ना कि यहाँ पे कैसे वाले ग्रूप है गर्ल्स वाले एकदम ऐसा पता लग रहा है कि गर्मी छू है कितना तो क्यूट लग रहा है साइड में पीछे इसका ये नेबलिंग हुई भी है साइड में ये आपका प्योमा का लेबल है और इधर भी प्योमा का लेबल है पूरा वाइट है ये कहीं पर कोई दूसरा कलर है ही नहीं और सोल इसका ऐसा रहेगा यहाँ पे आ, वेंटिलेशन के लिए आ, फाइव छोटे छोटे वाले होल्स है प्रॉपरली आपका पैर अच्छे से ब्रीथ कर पाए क्योंकि पूरा लेदर है मेश कहीं पे ना शो तो मेरे को मन नहीं करेगा तो ये, ये वाला शू क्योंकि अब देखो इसकी लुक देखो मतलब ये वाला जो शू है ना ये आपके जीन्स के लिए छोड़ो दो आपके जो शॉर्ट ड्रेसेस पहन रहे आप उसके साथ भी कितना क्यूट लगेगा और वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर भी आपको थ्री होल्स मिले हुए हैं इस साइड भी थ्री होल्स है तो क्योंकि आपको ऐसा ना लगे कि हाँ भाई पैर के अंदर गर्मी लग रही है कुछ लग रहा है तो वो वेंटिलेशन का पूरा पूरा उन्होंने वो ध्यान रखा हुआ है फिर ये इसका जो फ्लैप है ये काफी पतला है और आई थिंक आपको ये चीज प्रॉब्लम देगी नहीं तो ये यूके फोर है अच्छा मैं दोनों में एक डिफरेंस बताना चाहती हूँ जो का यूके फोर है और जो एडिडास का यूके फोर है तो जो पमा का जो फोर नंबर बनता ना आपको वो थोड़ा सा बड़ा होता है अगर आप अपनी साइज को लेकर थोड़ा स्क्रिप्टिकलो कुछ ऐसा होता है कि मैंने ना एक शू लिया था बास्केटबॉल शू लिया था लास्ट ईयर मैंने एडिडास से ही लिया था ऑनलाइन और, और मैंने यूके फोर ही मंगवाया था बट वो मेरे को इतना टाइट है मैं कभी क्लास में उसको पहन ही नहीं पाई मैं इधर उधर जाने के लिए वो मतलब कहीं कहीं जाना हो तो थोड़ा बहुत यूज करना हो तो वो जो पहन लेती हूँ बट वो काफी टाइट आया है एंड देन ये भी यू के फोर ही है तो थोड़ा सा साइजेस का डिफरेंस रहता है प्योमा का यूके फोर अच्छा खासा बड़ा रहता है कंफर्टेबल रहता है और दट्स सी इसका प्राइस क्या है ओके द शू नेम इज प्योमा करीना टू मिड कैजुअल्स फॉर वेमेन एंड मैंने ये शू लिया था टू ज़ीरो नाइन फाइव का और मेरे जूते पे नज़र थी पिछले एक डेढ़ साल से और ये शू कुछ अराउंड फाइव थाउजेंड के आसपास था इस शो का एक्चुअल प्राइस है सिक्स थाउजेंड और बाकी की सेल्स में भी है मुझे फोर्टी फाइव हंड्रेड से नीचे तो कभी मिला ही नहीं फाइव थाउजेंड फोर्टी फाइव हंड्रेड एंड लकीली इस बार सिर्फ एक ही साइज़ बचा हुआ था पे विच वॉज अ फोर नंबर तो मुझे ये टू थाउजेंड का मिल गया अब आप, आप खुद बताओ कि अभी मेरे को इतने रिजनेबल शूज मिले हैं इनको रिटर्न करके करूँगी भी क्या बिकॉज पहले मैं ये सोच रही थी कि तीन में से कोई दो रख और एक छोड़

पीछे से देखोगे तो पूरी लेबलिंग आपको दिखाई दे रही है ओके अंडर आर्मर की एक लेबलिंग यहाँ पर है और ये इसका जो प्रोडक्ट स्टाइलिंग है वो यहाँ पे है वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर आपको होल्स मिले हुए हैं, प्लस आपको ये पूरा मैश भी मिला हुआ है एंड यहाँ पे पूरा लेदर है सो so, लेदर है मैश है और वेंटिलेशन के लिए ये वाली डिजाइनिंग भी है अगर आपको पूरा कंप्लीटली अच्छे से नजर आ रहा है तो ये नहीं है, पैरों में पहना हुआ इतना लग रहा था इतना, रहा ना, इतना रहा था मतलब से अलग, पैरों में देखने इतना अलग देख रहा है वो कि हाँ कोई भी ऐसा करके ऐसे देखता है कि हाँ ना सर कुछ पहना हुआ है और अंडर आर्मर अभी आपको प्राइस बताऊंगे ना तो इतनी प्राइस में मिल ही नहीं सकता मतलब बहुत ही रेहर और फ्रैर चांस है कि आपको कोई ऐसा शू टकरा गया और तो ये में है। चल, हेलो बोलो so, मैं इसका आपको प्राइस बता रही हूं ठीक है दिस अंडर आर्म स्नीकर्स फॉर मेन अगेन फ्रॉम द मेन सेक्शन दिस इज यूके फोर और uh, द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द शो वॉज नाइन थाउजेंड रुपीज अभी भी इस वाले शो में सिक्स साइज अवेलेबल है फ्लिपकार्ट बट नॉट ऑन द सेम प्राइस इसका प्राइस मुझे पड़ा है ड्यूरिंग द सेल थर्टी सिक्स हंड्रेड अराउंड थर्टी सिक्स फोर हंड्रेड समथिंग थ्री सिक्स फोर फोर थ्री सिक्स फोर वन बट क्योंकि मेरे पास uh, क्विंस है तो मुझे उसका डिस्काउंट मिलने के बाद टू हंड्रेड रुपीज को डिस्काउंट मिल क्योंकि थर्टी फोर हंड्रेड का पड़ा है जब हम लोग काफी ज्यादा शॉपिंग करते हैं फ्लिपकार्ट से तो क्या होता है कि जो आप शॉपिंग करते हो उसके भी आपको पॉइंट्स मिलते हैं तो उन पॉइंट्स को मिलाकर भी जो आपका एक पॉइंट है वो एक रुपया मतलब तो वन रुपी बनता है तो मेरे पास कुछ टू हंड्रेड एंड थ्री पॉइंट्स इसके लिए भी थे तो थर्टी सिक्स फोर वन का ये कुछ था तो टू हंड्रेड रुपीज तो उसमें से लेस सो के ये मुझे थ्री फोर फोर वन का पड़ा है ओके और और एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगी कि आ, जो सेल थी वो एक्सिस बैंक और कोटेक बैंक इन दोनों पे टेन परसेंट एक्स्ट्रा ऑफ था अपार्ट फ्रॉम जो आपको मिल रहे हैं उसके अलावा टेन परसेंट एक्स्ट्रा ऑफ था अगर आप फाइव थाउजेंड रुपीज की शॉपिंग करते हो तो ऑब्वियसली टेन तो अगर मैं फाइव थाउजेंड पे टेन परसेंट तो फाइव हंड्रेड रुपीज इज द फ्लैट फाइव हंड्रेड रुपीज डिस्काउंट ओके तो मैंने मंगवाए थे ये दो जूते तीन जूते ऑब्वियसली तो इन सब का डिस्काउंट भी उसी के अंदर होके को मिला है तो एक प्राइस तो जो ऑलरेडी नाइन थाउजेंड रुपीज का है एक जो डिस्काउंट कंपनी दे रही है अराउंड दिस इज जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल तो वो कुछ फोर थाउजेंड सिक्स हंड्रेड कुछ ऐसा आप मान के चलो उसके अलावा जो आपके है उसका डिस्काउंट भी लगा है और उसके अलावा जो आपका बैंक डिस्काउंट है जैसे अगर आपके पास अगर आपके पास एक्सिस का कार्ड है तो आप वो अप्लाई कर सकते हो अगर आप फाइव थाउजेंड रुपीज की शॉपिंग कर रहे हो मिनिमम दैट इज मिनिमम थिंग अगर पाँच हजार से कम की शॉपिंग करोगे तो आपका कार्ड अगर एक्सिस का है या कोटक का है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है बट लकीली आई हैव द कोटक डेबिट कार्ड एंड द क्रेडिट कार्ड ऑल्सो फ्रॉम एस बी आई तो बट इस बार एस बी आई का कार्ड यूज हो रहा है अमेजोन पे एंड नॉट ऑन द फ्लिपकार्ट अदरवाइज हर साल एस बी आई का चलता है इस बार मेरे पास कोटक है लकीली मेरे पास दोनों कार्ड थे तो मैंने वो यूटिलाइज कर लिए हैं So, ये तीन जूते थ्री शूज एक दो और तीन ये इस साल की बिग बिलियन से मैंने एंड गाइस यू कैन बिलीव कि मैंने शूज के अलावा कुछ भी नहीं लिया है लेने के लिए ये मेरे पास आ, था कि मैं शायद अपने टाइट ले लू कुछ वर्कआउट के कपड़े ले लू बट पता नहीं है मेरा कुछ ऑन लेने का मन ही नहीं कर रहा है कुछ ऑन लेने का मन करता भी नहीं है सो so, ये गर्ल्स मतलब लाइक मेरे लिए ये तीन Shoes जो दो मैंने लिए हैं और एक सेक्शन से लिए हैं तो तीनों के प्राइजे उसी समय गए होंगे नाउ लेट्स शूज जो हमने उसके लिए लिए हैं तो उसने भी एक अंडर हार्म का लिया है एक एंडीडाज का लिया है तो पहले तो मैं आपको दिखाना चाहूंगी हूँ कैसे डब्बे में आऊँ मतलब मेरे सत्यानाशी डब्बा है ना मतलब तो जब हमने खोला ना एकदम ही शू निकल के गिर ही गया क्योंकि क्या होता था फ्लिपकार्ट वाला जो एजेंट आता है जब वो डिलीवर करके जाता है तो वो इस को आजकल करना मतलब शो हो जाए कोई भी आपका प्रोडक्ट हो वो प्रोडक्ट को आपके सामने पहले, पहले खोलेगा और आपको दिखा के तभी देता है अगर आपका प्रोडक्ट महंगा है लाइक एक हजार रुपये से ऊपर का है तो छोटी चीजों में तो नहीं खोल के देखते हैं अभी भी लेकिन अगर आपका महंगा प्रोडक्ट है एक डेढ़ हजार रुपये से ऊपर का है तो फिर वो पूरे ऐसे खोलेंगे आपको दिखाएंगे चेक कराएंगे तो बट यार उसे जैसे ये खोला ना ये एकदम से खोलते के साथ में नीचे गिर गया इसका शू बट चलो कोई नहीं अब क्या कर सकते हैं काफी डब्बा टूटा फूटा सा है कोई बात नहीं शू देखते है शू ना इतना ज्यादा अच्छा है यार मतलब मेरे को अपना जो था इसके आगे बेकार लग रहा है तो इसकी एक पहली बात है इसका सोल देखो ठीक है देखा अब इसके साइड प्रोफाइल देखो अब इसका फ्रंट प्रोफाइल देखो साइड प्रोफाइल फ्रंट प्रोफाइल बैक प्रोफाइल साइड पे इसके आप देख सकते हो अंडर आर्मर का लोगो है साइड में लोगो है और ना यार के पहना जब मेरे भाई ने पहना है इसे मतलब मैं सारी वीडियोस आपको दिखाऊंगी ये पैरों पे शूज कैसे लग रहे हैं मतलब तो इतना सही लग रहा था ना मतलब मेरा अपना ये शब्द कुछ लग ही नहीं रहा है इसको देखो और इसको देखो मतलब ये भी अपने अपनी जगह पर भी बहुत अच्छा है बट इसको देखने के बाद ना इसकी कुछ वैल्यू रहा नहीं, नहीं मेरी नजरों में लेकिन चलो कोई नहीं अब भी इस इस वाले में फोर आता ही नहीं है तो इट्स लाइक दैट ये भी बास्केटबॉल शो ही है हम दोनों भाई बहनों को एक्चुअली ना हाई इनका शो बहुत पसंद है तो इसलिए हम ओके okay, सॉरी

और फिर ऊपर आगे के साइड से थोड़ा सा उठे हुए होते हैं क्योंकि ये जो उठी हुई चीज होती है ना ये ना डायरेक्शन देने के लिए होती है मतलब तो भागते हैं तो आगे की तरफ भागते हैं तो ये अपने को हेल्प करता है एज आपका जो ट्रेनिंग शू होगा वो यहाँ से कम उठा हुआ होगा बट उसकी जो ये दोनों साइड होती है ना वो इतनी वो होती है हल्की मतलब कूदना होता है ना साइड टू साइड या क्रॉस सेक्शन में जाना है या कुछ तो वो उसके लिए काफी अच्छी होती है तो अब ये है तो रनिंग शू चलो इसका प्राइस देख लेते हैं क्या है क्या नहीं सो दिसन पॉइंट फाइव साइज फर्स्ट ऑफ ऑल ही नहीं था था तो हाँ आज है, चल, आ, करके देख लेते हैं क्योंकि किसी किसी से आपको बताया एडिडास में फोर मेरे को छोटा आता है पोवा है वही मेरे को एकदम परफेक्ट आता है तो हम लोगों ने सोचा चलो कोई नहीं थोड़ा सा पॉइंट फाइट अगर बड़ा भी आएगा तो चल ही जाएगा ठीक है तो आ, मेरे को ये शो बड़ा है चार हजार के सौ मेरे पास थे तो वो भी एक एक हुए हैं और एक्चुअल कॉस्ट शू का है एट थाउजेंड बहंगा एट थाउजेंड लेकिन ऑफ कोर्स इतना ज्यादा इसके ऊपर डिस्काउंट था नहीं तो आई थिंक इसके ऊपर कुछ फोर्टी परसेंट का डिस्काउंट था क्या आई डोंट डोंबर एग्जैक्टली तो ये विद डिस्काउंट मुझे आफ्टर कार्ड वाला जो मैंने आपको बताया था बेनिफिट ट इसका वो भी डिस्काउंट मिलाने के बाद चार हजार एक सौ बारह रुपए का ये मुझे पड़ा है और uh, मेरे एंड से मैं अगर इसको रेटिंग दूंगी ना तो नॉट लेस देन मतलब पता नहीं मैंने एक भी क्यों काटा क्यों काटा पता नहीं लेकिन मेरे लिए तो ये एकदम गुड टू गो है काफी अच्छे शू है पर मेरे भाई तो उसको इसको फाइव फाइव ही देगा उसको बहुत पसंद आया ये शू ठीक है बस डब्बा हाँ डब्बा खराब आया है काफी टूटा हुआ है हम बिल्कुल यूज ही नहीं कर सकते मैंने डब्बा भी इसीलिए संभाल के रखा है ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि किस हालत में आया है डब्बा बाकी शो बहुत भाई के लिए ही है पता नहीं यार मतलब ये जो शो है ना है तो अच्छा ही मतलब मेरे को है ऐसा कुछ खराब तो लगा नहीं बट ये बहुत अच्छा भी नहीं है और ना ये फोटोज में ना बहुत 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 अलग और बहुत अच्छा लग रहा था डिफरेंट स्टाइल लग रहा था हो सकता है कि आप लोगों को अच्छा लगे इट्स नॉट दैट बैड बट इट्स नॉट दैट ग्रेट पता नहीं तो हम लोगों को ना कोई और शो ऑलरेडी पसंद आ रखा था पर वो हमें फिर मिला नहीं तो हम लोगों ने ये वाला फिर ऐसे ले लिया तो अभी माय ब्रदर डेंट लाइक इट मच सो ही इज गोइंग टू रिटर्न इट रिटर्न की हमें रिक्वेस्ट ऑलरेडी डाल दी है अप्रूव भी हो गई है बट अभी कोई पिकअप करने के लिए आया नहीं है तो शू अच्छा है ये पूरा मैश का जूता है पूरा इसमें ऐसा कुछ लेदर वेदर वाला कुछ नहीं है ही नहीं ये यहाँ पर पूरा मैश है यहाँ पे थोड़ा अलग टाइप का मैश है यहाँ अलग टाइप का मैश है आपका फ्लैप भी पूरा मैश का है एवरी थिंग मैश एंड एडिडास दी सेक्शन और इसका प्राइस है ये हमें ये दिस इज सेवन साइज और मुझे ये पड़ा है आफ्टर डिस्काउंट इसमें कॉइन्स एकट uh, नहीं हुआ है क्योंकि मेरे पास बच्चे ही नहीं थे लेकिन यह कार्ड डिस्काउंट लगा हुआ है और डिस्काउंट लगने के बाद ये चार हजार सात सौ 47, छब्बीस फोर सेवन टू सिक्स रुपीज का मुझे पड़ा है और इस शू का एक्चुअल प्राइस है बारह हजार ओके बारह हजार आई थिंक मेरे को ऐसा लगता है क्योंकि ये जो अंदर फोमिंग है और कम्फर्ट लेवल जो शो का है आई आई थिंक थिंक इट्स लाइक रियली गुड सिर्फ लुक वजह से मेरे भाई को ज़्यादा पसंद नहीं आया वरना उठाने में और सब कुछ उसके पैरों में भी बहुत अच्छा लग रहा था ये बट चलो ठीक है अपनी अपनी चॉइस है और शायद उसको कोई और चीज ज्यादा पसंद आई भी है सेम प्राइस पॉइंट पे तो हम लोगों ने ना जब सेल आई थी ना पहले दिन इसका जो प्राइस आ रहा था वो सेवेंटी टू हंड्रेड आया था एंड देन मैंने इसको आईसी विश लिस्ट में रखा हुआ था और फिर हमने रात में देखा कि बारह एक बजे ये फिफ्टी थ्री हंड्रेड का दिखा रहा था फिर ऑर्डर प्लेस करते करते ये और कब हो गया तो फिर हमने सोचा चलो कर ही रहते हैं इतना अच्छा सा लग रहा है महंगा सा जूता है बट ना हो अभी इतना बढ़िया हमें लगा नहीं ठीक है मतलब अगर रखना होगा तो मतलब अगर रखना होता तो वो रख ही लेता बट उसने मुझे बोला है कि रिटर्न रिक्वेस्ट आप डाल दो तो मैंने फिर भी डाल दिए क्योंकि इससे पहले वो अपना एजेंट आके इसको लेके जाता तो मैंने सोचा ये वाला शू भी मैं आपको दिखा दू आप उसको आराम से ऑर्डर कर सकते हो बट फ्रेंकली अगर मैं अपने एंड से आपको इस चीज का वो बोलूँ तो पांच हजार इवन आफ्टर द डिस्काउंट पांच हजार के हिसाब से भी ये जूता काफी महंगा है काफी ज्यादा तो इससे बहुत अच्छे जूते आपको मिल जाएंगे इन आपको अंडर आर्मर में भी इससे अच्छे जूते मिल जाएंगे और इससे कम रेंज में अगर आप डिस्काउंट मतलब फ्लिपकार्ट के अगर बिग बिलियन डिस्काउंट पे देखोगे उस टाइम पे तो अभी तो ये वीडियो जिस टाइम आपके पास आ रही है सेल ऑलरेडी ओवर हो चुकी है पर अगले साल फिर आएंगे ठीक है पर अगले साल फिर आएगी लेकिन क्या है कि हम लोग जब सेल आती है तभी ऑर्डर प्लेस करते हैं और जब ऑर्डर प्लेस करते हैं तो उसको आने में भी तीन से चार दिन लग जाते हैं बाय द टाइम वी रिसीव इट हमारी सेल खत्म हो जाती है और आप जब ये वीडियोस देखते हो तब तक सेल जा चुकी होती है लेकिन आ, मैं आगे से मतलब फ्रॉम नेक्स्ट टाइम मैं आगे से पहले ही अपनी यूट्यूब चैनल पे और अपने इंस्टाग्राम पे

सारे uh, शूज में से मुझे यही लगा है क्योंकि ये पहनने में अच्छा लग रहा है लेकिन कंफर्ट के हिसाब से आप देखोगे तो ये है और ये तो मैंने लिया ही ऐसे ही इधर उधर जाने के लिए तो आई एम नॉट गोइंग टू यूज इट इन सो ये दोनों शूज में दिखाई देंगे वीडियोज में दिखाई देंगे सो देंगी दिस इज इट फॉर दिस वीडियो थैंक यू सो मच एंड हैव अ डे एंड सारे फेस्टिवल्स के लिए आपको पहले से ही एडवांस हुएंगी ढेर सारी शुभकामनाएं दिवाली के लिए नवरात्रों के लिए दशहरे के लिए फाये हजार अच्छा दस वीडियो